काम कैसे करता है, ठीक है, ये ऐसे करना है काम, कोई आप स्पेसिफिक इंक्वायरी करें। ये तो ऑफिस से निकले ही नहीं, ये कहाँ बैठे थे ये लोग, जबकि एक सुप्रीम कोर्ट का जज बॉम्ब मेकिंग फैक्ट्री तक गया। बड़े लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने रिपोर्ट दे दी, एक कहा था कि रिपोर्ट दे दो, हमने दे दी रिपोर्ट, एसरटेन भी कर दिया, डिटर्मिन भी कर दिया, रिकमेंडेशन भी दे दिए, सब कुछ कर दिया, तो ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी लिख रहे हैं बस, वो भी गलत, मुहावरे पे एक मुहावरा, एक मुहावरा के ऊपर दूसरा मुहावरा, तीसरा मुहावरा। फैजाबाद धरना केस, सुप्रीम कोर्ट तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट पर बरहम, रिमार्क्स दिए, लगता है रिपोर्ट का मकसद फैज हमीद को क्लीन चिट देना था। ये ऐसे ही है कि चोर से पूछ लिया जाए तुमने चोरी तो नहीं की। इंक्वायरी कमीशन ने फैज हमीद को बुलाने की जुर्रत तक नहीं की, फैसले में भी कहीं फैज हमीद का नाम नहीं लिखा। लगता है इंक्वायरी कमीशन को पंजाब हुकूमत से कोई बुग्स है, मुदाखलत ना करने पर सारी रिपोर्ट पंजाब हुकूमत के खिलाफ लिख दी। चीफ जस्टिस ने कहा कहीं भी फाइंडिंग्स नजर नहीं आ रही, धरने से मुल्क का कितना नुकसान हुआ किसी को परवाह नहीं। मजीद कहा कमीशन कह रहा है जो कर रहे हैं वो जिम्मेदार नहीं। कमीशन कैसे कह सकता है कि मुजाहिरीन को पंजाब में रोकना चाहिए था, मुझे मालूम नहीं कमीशन को किस बात का खौफ था, क्या एक और 9 मई का इंतजार हो रहा है। धरना केस के फैसले पर अमल हो जाता तो 9 मई ना होता। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी, अब सरकार जाने पब्लिक करनी है या नहीं। हैरानगी की बात है कि तहरीके लब्बैक के किसी रुकन का बयान तक रिकॉर्ड नहीं किया गया। लगता है DGIB ने घर से रिपोर्ट बना के जमा करा दी। जस्टिस इरफान सादत खान ने कहा कमीशन ने सारा नजला पंजाब हुकूमत पर गिराया। फैजाबाद धरना नजरेसानी केस की समाअत का हुक्मनामा जारी। कमीशन ने 6 मार्च को 149 सफात और 7 जिल्दों की रिपोर्ट जमा कराई। हुक्मनामे में कहा गया हमारी राय में रिपोर्ट टर्म्स ऑफ रेफरेंस के मुताबिक नहीं। हैरानगी की बात है कि तहरीक लब्बैक के किसी रुकन का बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया। कमीशन ने फर्ज किया कि एहतजाज के लिए इस्लामाबाद का सफर आइन के मुताबिक नहीं था, सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में लिखा था पुरअमन एहतजाज है। कमीशन की रिपोर्ट में सुबाइयत की झलक नजर आती है। मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा इलेक्शन कमीशन और हाईकोर्ट के फैसलों को मुअत्तल कर रहे, फैसलों की मुअत्तली सिर्फ इजाफी सीटें देने की हद तक होगी। आजाद उम्मीदवारों की नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में नहीं बांटी जा सकती, हमें अवामी मैंडेट की हिफाजत करना है। जस्टिस अथर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, कहा लिखा इंतखाबी निशान ना मिलने पर सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती। एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला कमेटी को भिजवा दिया। केस की समाअत 3 जून से रोजाना होगी। पांच रुकनी लार्जर बेंच समाअत करता तो बेहतर होता। आईनी तशरी का मामला है, अबूरी हुक्म भी लार्जर बेंच से जारी होना मुनासिब होता। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का अदालत उज़्मा के अबूरी हुक्मनामे पर रद्द अमल, कहा पार्लिमान की कानून साजी के इख्तियार के मामले में हुक्म इम्तनाअ से एतराज बढ़ता जाना चाहिए था। उम्मीद है हतमी फैसले में पेशावर हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। और नॉन मुस्लिम की रिजर्व सीटें सुनी इत्तेहाद काउंसिल को रिफ्यूज कर दी थी, ये टोटल 678 सीट्स दूसरी पार्टी को एलोकेट कर दी थी और इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गैर आईनी था। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आईन के मुताबिक उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। हुकूमत आईन में तरमीम करने जा रही थी, वो अपनी 2/3 मेजॉरिटी इन सीटों के बिना पे दिखा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसका सदबाब हो गया, अब इंशाअल्लाह ताला हुकूमत नाकाम होगी और वो 2/3 मेजॉरिटी से महरूम है।
हुकूमत दो तिहाई अक्सरियत से महरूम हो गई। मुअत्तल अरकान किसी कानून साजी में हिस्सा नहीं ले सकते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए अक्सरियत नहीं रही। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें नहीं दी। शख्सी बुनियाद पर कानून साजी नहीं होनी चाहिए। हम कहते रहे, हमारे साथ गैर कानूनी गैर आईनी सलूक हुआ। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के सीनियर रहनुमाओं का मुशावरती इजलास। वज़ीर आला मरियम नवाज, राणा सनाउल्ला, आज़म नज़ीर तारड़, अहसन इकबाल, साद रफीक, अयाज सादिक और दीगर ने शिरकत की। पार्टी ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज ने गंदम खरीदारी बहरान पर पंजाब हुकूमत की तरजीहात और पॉलिसी से आगाह किया। वज़ीर कानून ने सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशस्तों पर फैसले के बाद की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। 11 मई को जनरल काउंसिल इजलास से मुतालिक भी मुशावरत की गई। पार्टी की तंजीम नौ के मामलात पर भी गौर किया गया। इस जमहूरियत को जितना नुकसान इस इलेक्शन कमिश्नर ने पहुंचाया किसी और ने नहीं। मौजूदा हुकूमत के जमहूरियत के दावे सब फ्रॉड हैं। ऑपोजिशन रहनुमा महमूद खान अचकजई, असद कैसर, सनाउल्ला बलोच और दीगर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। साबिक स्पीकर बोले, आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं, अदालतें ऐसे ही मेरिट पर फैसले करें, पीटीआई जल्द हुकूमत में होगी। दरखास्त देकर हर शहर में पुरआमन एहतजाज करना चाहते हैं, हमारी दरखास्तें मुस्तरद की जा रही हैं, हमें एहतजाज ना करने दिया तो पार्लियामेंट के जरिए रोकेंगे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साइंड द 9 मंथ SBA एंड अंडर हिज वॉच नाउ MashaAllah, we have concluded successfully 9-month SBA with the last tranche of the IMF, which came in about a week back. Have to start resolving the complex energy equation, because we can make an industrial policy, we can start moving in the right direction, but if we don't get into competitive energy, we are not going to get there. वक्त आ गया, निजी शोबे फ्रंट सीट पर बैठे वज़रा और ब्यूरोक्रेट्स को पीछे बैठना चाहिए। हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं, पॉलिसी फ्रेम वर्क देना है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाक सऊदी सरमायाकारी फोरम से खिताब, कहा बेहतरीन मौशी पॉलिसियों से मुल्क में इस्तेहकाम आ रहा है। मौशी असलाहत हमारा एजेंडा है, बरामदात बढ़ानी है, तवानाई का मसला हल करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। सऊदी नायब वज़ीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक ने कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान को मौशी तौर पर मजबूत देखना चाहता है। सऊदी अरब पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए इंतहाई मौजू समझता है। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सऊदी अरब की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान में मेरे शायद पहली दफा हो रहा होगा कि इन 2 हफ्तों के अंदर हमारी डेलीगेशंस 2 दफा वहां गई हैं, वहां की इधर आई हैं। तो आज का ये जो नतीजा है, ये जो इंटरेस्ट है, ये जो एक ट्रस्ट है और ये जो एक कॉन्फिडेंस इस हुकूमत के ऊपर सऊदी बिजनेसमैन का आया है, ये मेरे और आपके एक अच्छे से फंक्शन को करने से नहीं हुआ है। ये वो ट्रस्ट उन्होंने शायद इस हुकूमत की कमिटमेंट को देखा है कि सामने आए तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ग्रोथ के लिए। एक सरकार दूसरी सरकार के साथ मिल बैठ के काम करती है। पाकिस्तान के अंदर जो हमने डेवलपमेंट करनी है उसमें सऊदी हिस्सादारी आए, हमारे बच्चों बच्चियों को जहां से नया कारोबार मिलेगा उसको आगे बढ़ाने के लिए जो सऊदी कंपनियां हैं उनके साथ पाकिस्तानी कंपनियों का मेल करवाया जाए। पाकिस्तान इमदाद पर नहीं कारोबार पर तवज्जो दे रहा। वफाकी वज़रा मुसद्दिक मलिक अतातारड़ और जाम कमाल की न्यूज कॉन्फ्रेंस। जाम कमाल ने कहा, सऊदी ताजर पाकिस्तान में सरमाकारी के लिए खसूसी दिलचस्पी ले रहे, हुकूमत बैरूनी सरमाकारों को तहफ्फुज़ फराहम करेगी। मुसद्दिक मलिक ने कहा, अब बिजनेस टू बिजनेस मुआहदे होंगे, हमारे नौजवान सऊदी कंपनीज के साथ मिलकर कारोबार करेंगे, सिर्फ अमीर का बच्चा सेठ बने अब ऐसा नहीं होगा। लोग चाहते हैं कि मेरे खिलाफ इंक्वायरी हो, ऐसे लोगों को मायूसी होगी। वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी ने कहा, पंजाब हुकूमत किसानों से गंदम खरीदती है, सूबा अपना कोटा बताता है और दरामद का फैसला विफाकी हुकूमत करती है। कोई गलत काम नहीं किया और पंजाब में अपने स्टाफ को भी गलत काम से मना किया था। मजीद कहा, अप्रैल के महीने में लेस्को में कोई ओवर बिलिंग नहीं हुई।
इस वक्त पंजाब गंदम के मामले पर ख्वार हो चुका है। सितंबर 2023 में गंदम मंगवाने का फैसला पीडीएम हुकूमत का था। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा चाहते हैं इस मामले की शफाफ इंक्वायरी की जाए। एक सेक्रेटरी को मुअत्तल करने से मामला हल नहीं हो सकता, ये सीधा सीधा नैब का केस बनता है। केपी हुकूमत कल से 3 लाख मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी शुरू करेगी। वजीर खुराक केपी जाहिर शाह कहते हैं गंदम मुकामी काश्तकारों से 3900 रुपए फी मन के हिसाब से खरीदी जाएगी। पहले आए पहले पाए के उसूल पर काश्तकारों से गंदम खरीदी जाएगी। सदर मम्लकत आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर क्वेटा पहुंच गए। एयरपोर्ट पर वज़ीर आला बलोचिस्तान और दीगर आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। सदर मम्लकत आला सतह के इजलासों की सदारत करेंगे। सूबाई काबीना, अरकान पार्लियामेंट, सियासी और कबाइली मायदीन से मुलाकातें भी होंगी। आवाम की खिदमत का एजेंडा हर सूरत पूरा किया जाएगा। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। वजीर अला पंजाब मरियम नवाज की पंजाब भर में तायुनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर से गुफ्तगू, कहा आवाम की जिंदगियों में आसानियां और सहूलत लाएं, मेरिट पर अमल करें। आवाम की खिदमत अफसरान की जिम्मेदारी ही नहीं फर्ज अवलीन है, अफसर आवाम के लिए दरवाजे खुले रखें। मरियम नवाज का सऊदी तजारती वफ की आमद का खैर मकदम। उधर वजीर अला मरियम नवाज की हिदायत पर इंसदाद मनुष्यात की मुहिम, पंजाब पुलिस की तारीखी कामयाबी, लाहौर में मनुष्यात सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा जॉर्डन गैंग गिरफ्तार, करोड़ रुपए की मनुष्यात बरामद। वर्ल्ड कप में अपना 100% देंगे, पूरी तवज्जो वर्ल्ड कप पर है, यकीन है ट्रॉफी लेकर आएंगे। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की कैंप के अख्तिताम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तमाम खिलाड़ियों का मकसद एक ही है कि कैसे जीतना है। टॉप ऑर्डर में इस वक्त रिजवान, साइम और फखर हैं, आने वाले मैचेस में बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ आएंगे। कदाफी स्टेडियम लाहौर में लगा मुख्तसर वार्म अप कैंप खत्म। कौमी टीम आज रात पिछले पहर डबलिन के लिए उड़ान भरेगी। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की कायदे हिस्ब इख्तलाफ उमर अयूब से अपोजिशन लीडर चैम्बर में मुलाकात हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर, असद कैसर और रऊफ हसन भी मुलाकात में मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तहरीक इंसाफ का शेख वकास अक्रम को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पीटीआई की सियासी कमेटी ने शेख वकास अक्रम के नाम की मंजूरी दी। उधर शेर अफजल मरवत ने मामला बानी पीटीआई के सामने रखने का ऐलान कर दिया, कहा बानी ने मामला फैसले या वोटिंग के लिए रेफर किया और ना ही अब तक अपना फैसला तब्दील किया। कल मुलाकात के बाद सबको आगाह करूँगा, पीटीआई सियासी जमात हाईजैक नहीं होने दूंगा। चौधरी परवेज इलाही को अस्पताल मुंतकिल करने या हाउस अरेस्ट करने की दरखास्त पर फैसला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की सेक्रेटरी दाखला को 14 रोज में दरखास्त पर फैसला करने की हिदायत। मामला सेक्रेटरी दाखला के इख्तियार में नहीं तो 2 दिन में मुतल्लिका फोरम को भिजवाएं। जेल हुकाम को परवेज इलाही का हर हफ्ते जाती मुआलिज से तिबी मुआयना कराने का हुक्म। तो बिफोर इलेक्शन वो रिजर्व सीट की एक लिस्ट जमा कराती है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा होती है। अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की वो लिस्ट जमा थी और उसके बाद उनको सीटें नहीं मिली, फिर तो वो बात ठीक होगी। लेकिन अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन से पहले वो लिस्ट जमा नहीं कराई थी तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की एक निश्चित भी नहीं बनती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशस्तों के लिए लिस्ट जमा नहीं कराई। मुल्क आइन पर चलता है, किसी की ख्वाहिशात पर नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा वीआईपी प्रोटोकॉल किसी को नहीं दिया जाएगा, जितनी बड़ी गाड़ी होगी उसे भी रोका जाएगा, असर रसूख जितना भी होगा गाड़ी जब्त कर ली जाएगी।
गैम्बिया में OICC राबता ग्रुप का मकबूजा कश्मीर पर इजलास, मकबूजा इलाके में इंसानी हकूक की संगीन सूरतेहाल का जायजा लिया गया। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, नाइजर और आजरबैजान की शिरकत। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने पाकिस्तानी वफ की क्यादत की। कश्मीरियों को बेख्तियार कम्युनिटी में तब्दील करने के लिए भारतीय कोशिशों से आगाह किया। इसहाक डार ने कहा इश्तियाल अंगेज बयान और बिला जवाब दावों का नोटिस लिया जाना चाहिए। भारतीय कार्रवाइयां इलाकाई अमन के लिए संगीन खतरा हैं। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत बुध तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स दिए, एक में सजा का मतलब सब में सजा नहीं, एक में बरियत का मतलब सब में बरियत नहीं। FIA प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल में कहा साबिक वजीर आजम ने साइफर की कॉपी अपने पास रखी, कानून के मुताबिक उसकी हिफाजत नहीं कर सके। प्रोसिक्यूटर का इसी हफ्ते दलाइल मुकम्मल करने का इंदिया। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने जाली फॉर्म 47 पर मोहर तस्दीक सब कर दी। मुशीर इत्तला KP बैरिस्टर शेफ कहते हैं ना अहल टोले के पास इखलाकी जवाब पहले ही नहीं था, अब मुंह छुपाने की जगह भी नहीं है। टोले ने गवर्नर के अहदे पर आवाम का मुस्तरद शुदा शख्स बिठा दिया। जाली सल्तनत दफन करके हमेशा के लिए इनकी सियासत का खात्मा करेंगे। मई में सूरज आंखें दिखाने लगा। मुल्क के मैदानी इलाकों में गर्मी, लाहौर में दर्जा हरारत ने स्पीड पकड़ ली, पारा 39 तक जा पहुंचा। कराची 35 और कोयटा में 25 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दीगर शहरों में भी मौसम के तेवर बदलने लगे। आज मैदानी इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने की तवक्को। कल से 10 मई तक हीट वेव का इम्कान। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर मंदुखेल ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाईकोर्ट हाशिम खान काकड़ ने गवर्नर से हल्फ लिया। तकरीब में वजीर आला बलोचिस्तान अराकी ने पार्लियामेंट और दीगर ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना का हिस्सा नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हुकूमत का हिस्सा बना जाए। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। विफाकी हुकूमत में जाने का फैसला पार्टी की EAC करेगी। मईशत की बेहतरी के लिए विफाक को सपोर्ट करना होगा। सिंध हुकूमत ग्रीन एनर्जी के लिए काम करने वालों को हर तरह की मदद का यकीन दिलाती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। कारोबार के अख्ताम पर 862 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 72,764 की सतह पर बंद। उधर सोने की कीमत में फी तोला 2500 रुपए इजाफा। कीमत 2,40,500 हो गई। चीनी सदर 5 साल के बाद यूरोप के दौरे पर निकल पड़े। शी जिनपिंग सबसे पहले फ्रांस पहुंचे। फ्रांसीसी वजीर आजम ने चीनी जबान में उनका इस्तकबाल किया। दौरे का बज़ाहिर मकसद यूरोपी ममालिक के साथ राबतों में बेहतरी लाना और मुस्तहकम बनाना है। शाहीन शाह अफरीदी ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद। ICC ने अप्रैल के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के मोहम्मद वसीम और नामीबिया के गेरहार्ड एरिस्मस को भी नामजद कर दिया। खवातीन की नामजदगियों में जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के खिलाड़ी शामिल। एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन का 3 रुकनी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वफ्द की लाहौर में PFF नॉर्मलाइजेशन कमेटी के चेयरमैन हारून मलिक से मुलाकात। मुलाकात में पाकिस्तान फुटबॉल की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की गई। पाकिस्तान फुटबॉल की मौजूदा सूरत हाल भी जेर बहस आई। वफ्द 3 रोज तक पाकिस्तान में फुटबॉल मामलात का जायजा लेगा।